नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। राजनीति का एक ही अंतिम सत्य होता है, सत्ता। इसके अलावा कोई और सत्य नहीं होता। तमाम सियासी पार्टियां विचारधारा की बात करती हैं, लेकिन आप देखेंगे जब जब सत्ता की बात आती है तो ये सारी विचारधारा जो है वो नेपथ्य में चले जाते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त बिहार की सियासत में कई कारणों से उथल पुथल मचा हुआ है, जिसमें एक है कि रालोसपा पार्टी का विलय जीडी में हो सकता है, और ये एक बहुत बड़ी खबर है। हालांकि रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आप लोग मीडिया हैं, आप लोगों का काम ही है खबर बनाना और दिखाना, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। ऐसी कोई बात नहीं है। रालोसपा के जो तमाम प्रवक्ता हैं वो भी इसी बात को कह रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि 13-14 तारीख को रालोसपा ने राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाई है और इसमें 2 दिन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें ये चर्चा चल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा अपने पार्टी के नेताओं को इस बात के लिए मनाएंगे कि जेडी में विलय होने से उनका अस्तित्व बचा रहेगा, उन्हें भी अहम जिम्मेदारी मिलेगी। इस बात से लगातार उपेंद्र कुशवाहा नकारते तो रहे, लेकिन कल जिस तरीके से भारत लाइव में आपको खबर ब्रेक किया था, कैसे रालोसपा के प्रदेश महासचिव विनय कुशवाहा के नेतृत्व में 40 नेताओं ने रालोसपा से इस्तीफा दे दिया। आरोप क्या लगाया? आरोप लगाया कि रालोसपा का विलय जेडी में होने जा रहा है और ये बहुत जल्द होने वाला है, यानी 13-14 तारीख के आसपास रालोसपा का गठन जो है वो जेडी में हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जो मीटिंग बुलाया गया है वो वाकई में कार्यकर्ताओं को कन्विंस करने के लिए बुलाया गया है, लेकिन कार्यकर्ता ऐसा नहीं होने देंगे। अब बात करते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा, अगर जेडी में उनका विलय होता है उनकी पार्टी का, तो फिर उपेंद्र कुशवाहा इस बात की एश्योरिटी चाहेंगे, गारंटी चाहेंगे। और हमारे संपादक डॉक्टर अमन मिश्रा ने आपको बताया कि इसमें एक बड़ी भूमिका में है जेडीयू के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह। ये सारी कोशिशें, सारी कवायद कर रहे हैं ताकि लव कुश को एक साथ लाया जा सके। अब स्वाभाविक तौर पर कहा जा रहा है उपेंद्र कुशवाहा कागज पर लिखित रूप से चाहते हैं कि उनकी क्या भूमिका होगी, क्योंकि आपको पता है कि वो 2 बार जो है जेडीयू से अलग हो चुके हैं। 2004 में जब उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था और उस वक्त नीतीश कुमार ने हामी भरी थी, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा नीतीश कुमार की थी। आपको पता होगा उन्होंने एक बार बेंच को थपथपाते हुए कहा था कि मैं मुख्यमंत्री किसी न किसी तरह बनूंगा बाय हुक और बाय क्रूक। तो उनकी अपनी महत्वाकांक्षा थी, जिसके बाद उपेंद्र कुशवाहा उभर रहे थे, साइडलाइन किया गया। फिर दोबारा आते हैं 2010 में, राज्यसभा सांसद बनते हैं, फिर नीतीश कुमार से टकराहट होती है और फिर जो है पार्टी से अलग होकर रालोसपा पार्टी का गठन करते हैं। तो इस बार अगर वो शामिल होंगे तो एसओटी चाहिए, वो भी कहा जा रहा है कि लिखित रूप से वो वशिष्ठ नारायण सिंह पंचायत करने वाले की भूमिका में है, और बकायदा लिखित रूप से दिया जा रहा है कि उनको क्या भूमिका मिलने जा रही है। और अब जो खबरें आ रही हैं उनको जेडीयू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जा रहा है। जी हाँ, वो प्रशांत किशोर की जगह लेने वाले हैं। प्रशांत किशोर, आपको पता होगा, फॉक्स पत्रिका ने उन्हें विश्व के सबसे प्रभावशाली 20 व्यक्ति में से चुना था। वो तमाम सियासी पार्टियों के लिए रणनीति बनाते हैं, चुनावी रणनीति बनाते हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में उनकी एक अहम भूमिका रही। इस वक्त वो पश्चिम बंगाल में है। खैर, हम ये बताना चाह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से नवाजा जाएगा और आरसीपी सिंह को इसके लिए मना लिया गया। शुरुआत में आरसीपी सिंह नहीं मान रहे थे, आपको पता होगा। फिर जिस तरीके से नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा में महत्वाकांक्षा की लड़ाई छिड़ी थी, तो संभावना है कि आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा में भी महत्वाकांक्षा की लड़ाई छिड़ सकती है। लेकिन इस वक्त मजबूरी है, क्योंकि एक तरफ आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो वहीं बीजेपी लगातार जेडीयू को कमजोर कर रही है साथ में रहकर। और कहा जाता है ना कि जो साथ में रहकर आप परिवार करें वो ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि सामने वाले की साजिशों को आप समझ सकते हैं, लेकिन जो आपके साथ होता है वो आपको ज़्यादा हर्ट कर सकता है। इसी को देखते हुए नीतीश कुमार ने अब अपने लव कुश समीकरण को साधने की पूरी तैयारी कर ली है, और रालोसपा में उपेंद्र कुशवाहा, माफ करिएगा, जो रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हैं, उनको जेडीयू में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की पदवी दी जा सकती है। संगठन को लगातार मजबूत किया जाएगा। आप जानते हैं पंचायत चुनाव आने वाला है, वो चाहे बीजेपी हो या जेडीयू, हर कोई पंचायत चुनाव में अब जो है चढ़ बढ़कर हिस्सा लेगा, क्योंकि वही वो जगह है जहां वो आम लोगों से जुड़ सकते हैं बूथ स्तर तक। कल जो है मीटिंग हुई है बीजेपी कार्यालय और जेडीयू कार्यालय में, एक शब्द पे आप गौर करिएगा, दोनों जगह के नेता ये कह रहे हैं कि हमें बूथ स्तर तक मजबूत होना है। तो आप समझ सकते हैं कि संगठन को लेकर वाकई कितने लोग जो है अब सीरियस हो गए हैं, गंभीर हो गए हैं, और एक बार फिर से संगठन के दृष्टिकोण से, मजबूत बनाने के दृष्टिकोण से उपेंद्र कुशवाहा को प्रशांत किशोर की जगह अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि उपेंद्र कुशवाहा अपना अस्तित्व किस तरीके से बचा पाते हैं, और जिस तरीके से 2 बार धोखा खाए हैं, तो कैसे खुद को जो है जेडीयू के अंदर मजबूत कर पाएंगे, क्योंकि आरसीपी सिंह सबसे प्रभावशाली बनकर अपना खूंटा जो है ठोक चुके हैं।
आपको पता है नीतीश कुमार ने कह दिया था कि हमारे पास तो सब कुछ आरसीबी सिंह ही है, तो ये कैसे नियंत्रण होगा, ये तो आने वाली बात होगी। आप देखते रहे भारत लाइव, हम आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।